ठीक है, पहले आपके क्वेश्चन है या फिर मैं डायरेक्ट ही स्टार्ट करूँ मार्केट को अपने हिसाब से? किसी आप ही को स्टार्ट कर दीजिए सर। मैं स्टार्ट कर दूँ? चलो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए जाना पड़ता है बड़े चार्ट पे, तो बड़े चार्ट पे हम डेली चार्ट पे चल जाते हैं, ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी दोनों अपने पास। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो क्या मार्केट एक इम्पोर्टेंट लेवल ले चुका था दोनों में, जहां से मार्केट उठ सकता है? अगर हम यहाँ देखते हैं, अब साइकोलॉजी देखते हैं, मार्केट इतना ऊंचा उठा है, आगे कल का भी देखेंगे कल क्या हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम निफ्टी देख रहे हैं तो निफ्टी में ये एक स्विंग था जो चार्ट को डिवाइड करके चार्ट को अलग कर रहा था। ठीक है, इसके बाद में इस जगह के बाद में एक ब्रेकआउट आया था, ये अलग चार्ट था, ये पूरा स्ट्रक्चर अलग था। इसके बाद में मार्केट की स्पीड और वॉलिटिलिटी बढ़ी थी जब ये लाइन, तो ये एंगल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप चार्ट की स्टडी करोगे ना, लेआउट अलग अलग करोगे, तो इसके हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस अलग हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अगर चार्ट यहाँ काम कर रहा है, फिर गैप अप दिया, चार्ट ने अपने लेआउट चेंज करी, तो ये रेसिस्टेंस बनाया है, ये सपोर्ट बनाया है, ये रेसिस्ट हो सकता है। ये वन डे का चार्ट है। ठीक है, कंप्लीट उसमें करने के लिए हमें एनालाइज अलग अलग तरीके से करने पड़ेंगे, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लेवल हो जाता है। तो ये रेसिस्टेंस है चार्ट स्ट्रक्चर में, और इसका देखो कोई भी चार्ट बन रहा हो, अगर उसकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है, जो आप ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है, रिदम बदलती है, जैसे ब्रेकआउट पे रिदम बदलती है या पैटर्न्स ब्रेक करता है तब रिदम बदलती है, तो हमें उस कैलकुलेशन के साथ में अब नॉर्मल्स होना समझना पड़ता है। जैसे मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो एक गैप था, गैप के साथ में अच्छा मार्केट अलग ही, मतलब यहाँ की वॉलीटिलिटी अलग थी, यहाँ की वॉलीटिलिटी, बाद में नॉर्मल हुआ, मार्केट ने यहाँ ब्रेक दिया तो यहाँ के मतलब ये भी अब नॉर्मल है, क्योंकि गैप अप के साथ तेजी से ऊपर की साइड में गया, तो इसके बाद में मार्केट अब नॉर्मल हुआ है, और इधर ये स्ट्रक्चर अलग हो गया, ये स्ट्रक्चर अलग हो गया। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का। तो पहले ही हमने ये लगा रखा था कि हो सकता है कि ये वापस से एक सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम करे, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, गलत दिख रखा है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो वापस से सपोर्ट का काम करे। अब यहाँ पे ये वाला चार्ट देख लिया कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, दूसरा हम ये वाला चार्ट देखते हैं। इस चार्ट पे हम क्या ले रहे हैं, इस चार्ट पे हमें लास्ट स्विंग देख रहे हैं जिसमें पहले भी रिएक्ट कर चुका है, ये लास्ट स्विंग है, जिस स्विंग के बाद में यहाँ पे तो फोमो ब्रेकआउट हुआ था, जो कि एक फेक ब्रेकआउट है, जिसको हम प्राइस एक्शन के तहत पे नहीं देख रहे, तो ये वाला जो ठहराव दे सकते हैं, यहाँ पे पहले भी ठहराव मिला है, दोबारा ठहराव मिला है, ये वाला मार्केट था जो ठहराव लेके खड़ा हुआ था। अब इसमें साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से चलती है, मार्केट ने एक इनगल्फ बनाई थी, नीचे की साइड गया, मार्केट में नीचे के मोमेंटम देखे गए, मार्केट इनगल्फ बना के ऊपर की साइड क्लोज किया, ये पूरा का पूरा मार्केट वॉलेटाइल था और ट्रेपिंग वाला था, गिरावट है जिसमें एक्सपायरी वाला दिन है, गिरावट है जिसमें भयंकर भयंकर वाली गिरावट आई थी। ठीक है, ये वो वाला मार्केट है। उसके बाद में ये मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया और बेस पे ही डायरेक्टली टच करके बुलिश कैंडल बनाते हुए क्लोज हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ फियर दे रहा था किनको, बायर्स को। फियर क्यों, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा था, और इससे पहले वाले दिन भी मार्केट ने अच्छी वो दिखाया था, इनसाइड ही रहा, ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी इस दिन, नॉर्मली एक वॉलेटिलिटी होती है ना, उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें थी, रेंज छोटी दिख रही है बट मार्केट बड़ा मतलब वॉलेटाइल था, बहुत ज्यादा डायरेक्शनली उसने मोमेंटम दिए, ठहराव दिया फिर डायरेक्शनली एक साथ गिरा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव मोमेंटम वाला मार्केट रहा था, ये शांत हुआ, यानी कि इसका एक्सपेक्टेशंस हाई एक्सपेक्टेशन होके ये शांत हुआ। उसके बाद में शांत होने के बाद में मार्केट ने पूरा का पूरा गैप के साथ में मतलब एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ाया और वहीं पे मार्केट रुक गया। अब यहाँ पे ये वाला प्राइस एक्शन गलत किया, गलत किया का मतलब रिटेलर उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता, गलत करने वाली बात नहीं है, प्राइस एक्शन चल रहे हैं लेकिन रिटेलर के हाथ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, अगर हम देखते हैं कि इसके बाद में अगर वो देखता है कि
ये इनगल्फ है, इनगल्फ वाली कैंडल ये, इसके बाद में नीचे ही क्लोजिंग हो जाए हमले, तो नीचे की क्लोजिंग मार्केट ने सक्सेस नहीं करी। ठीक है, नीचे ही क्लोजिंग देखते हैं, फिर मार्केट खुला गैप डाउन और तेजी से ऊपर की साइड कवर कर दिया, तो कोई खास बेनिफिट नहीं दिया, उलझा के रखा। अब ये इनगल्फ बनाया, ये ऊपर की साइड में, इसमें भी मार्केट ने कुछ नहीं किया, काफी टाइम मार्केट ठहरा, लास्ट में मैच्योरिटी बहुत मतलब मुश्किल से मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद में मार्केट ने पूरे एंगल पलटे, तो कोई पैसा इधर भी नहीं दिया, और यहाँ पे होप जरूर पैदा कर दी बाइंग साइड की। उसके बाद में ये एरिया, क्योंकि ये वाले प्राइस एक्शन ने गलत काम किया, यहाँ पे भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाया रिटेलर, यहाँ भी पैसा नहीं बना पाया। इसके बाद में मार्केट ये वॉलेटाइल था, इस वाले मार्केट ने परेशान किया, इस वाले मार्केट में ठहराव लिया, एंगल दिखाए और ट्रेप किया, यहाँ से सेलिंग सोची, यहाँ बाइंग सोची, और बाइंग में भी ट्रेप किया वॉलेटिलिटी के बाद में, ठहराव लेने के बाद ट्रेप किया। अब मार्केट में अगर कोई सेलिंग सोचता है तो ट्रेप हुआ। ठीक है, बेस ले रखा था मार्केट ऐसा, बाइंग में फियर लग रहा, बाइंग में फियर क्यों लग रहा है, देखो वन साइडेड वो समझ नहीं पा रहा है। अब बाइंग में फियर इसलिए लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन के साथ नीचे की साइड सस्टेन कर गया, एक लेवल पे सस्टेन कर गया, ब्रेकआउट दे गया तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो सेलिंग की साइड तो देख सकता है, बाइंग की साइड में उसे फियर है। अब बाइंग में गैप अप ओपन हुआ, पूरा का पूरा चेंजिंग हुआ है। अब जहाँ माइंडसेट पूरे बदल रखे हैं उसमें बाइंग भी लेना मुश्किल हो जाता है, ये तो साइकोलॉजी है। ठीक है, अभी भी मार्केट के पास बैरियर है, ऊपर के लिए भी देखो या नीचे के लिए भी देखो, वॉलेटिलिटी बड़ी है तो कवर जोन की वॉलेटिलिटी है, ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पैनिक मतलब ट्रेपिंग है, अगर ये क्रॉस करता है तो हम बाइंग में ये प्रोटेक्शन लास्ट तक देख सकते हैं, इसके बाद में हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देखेंगे, बाइंग के बड़े मोमेंटम आपको मिलेंगे। प्रोटेक्शन ओवर, प्रोटेक्शन में हम ज़्यादा ठहराव वगैरह नहीं देखते। ठीक है, प्रोटेक्शन के आसपास 15-20 मिनट निकल जाए और वहाँ का प्लेटफॉर्म का रिएक्शन देखते हुए ले लेते हैं, ज़्यादा क्लोजिंग वगैरह सब कुछ देखने की नहीं, वहाँ का बर्ताव देखते हुए ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला कंप्लीट डे था, जो बनाने वालों ने बहुत पैसा बनाया और खोने वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा खोया। सब बात एक ही है कि स्मार्ट मनी के लिए सबसे बेटर डे वो होता है जो रिटेलर में जो कॉल और पुट की साइड होती है, दोनों साइड ट्रेड करने की, तो ये जो पलड़ा होता है वो एक साइड भारी हो जाए तो स्मार्ट मनी के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला डे होता है। ठीक है, और एक पलड़ा अगर भारी हो जाएगा मतलब यहाँ मार्केट कॉल ही कॉल की साइड गया और लोग फंसे रहे पुट की साइड में, तो स्मार्ट मनी का रास्ता क्लियर होता है, यानी कि उसको एक ही डायरेक्शन देखना है, तो इसको बोलते हैं हम चेजिंग मार्केट। मैंने कईयों बार चेजिंग मार्केट के बारे में आपको बताया है, मैं इसमें भी आपको डीप में बताऊंगा कि उसको कैसे क्लियर करते हैं, कैसे हमें ट्रेड करनी चाहिए। ये इस दिन रिटेलर सबसे ज़्यादा पैसा खोता है, और जिस दिन रिटेलर सबसे ज़्यादा पैसा खोता है उस दिन स्मार्ट मनी सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, और इसका रीज़न एक ही है कि उसका विजन क्लियर होता है, यानी कि वो वन साइडेड रहता है। यहाँ देखो एक POC बॉक्स में मार्केट ट्रेड कर रहा है तो दोनों साइड की बहस होती है, यहाँ से ट्रेप कर लिया, वहाँ से ट्रेप कर लिया, यहाँ से ट्रेप करके दिखाया, फिर वहाँ से ऊपर ट्रेप कर लिया, ऐसे करता है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों साइड मार्केट में अक्यूमुलेशंस करके लेवल क्रिएट किए जाते हैं, पैनिक क्रिएट किया जाता है, पैनिक क्रिएट करके तेजी से निकल जाता है, तो फिर ट्रेप होते हैं, फिर वापस में मार्केट में आते हैं, तो वन साइडेड ना होके वो अलग अलग जगह पे यहाँ पे मतलब चलता रहता है, कभी कॉल की फाइट कभी पुट की फाइट। यहाँ जब एक डायरेक्शन तय हो जाता है तो उसको हम चेजिंग कहते हैं। मार्केट एक लेवल के बाद में रिटेलर ये सोचना शुरू कर देता है कि मार्केट अब तो रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, अब रिट्रेस करेगा, वो मार्केट चेजिंग कहलाता है। इसमें वन डायरेक्शन में हो जाते हैं रिटेलर कि वो देख रहे हैं कि कॉल काफ़ी जा चुका, पुट की साइड अब आएगा, अब आएगा, और मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और स्मार्ट मनी उसका बेनिफिट उठाएगा उस साइकोलॉजी का। ठीक है, ये तो साइकोलॉजी है। अब चर्चा करते हैं हम 1 मिनट के चार्ट, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही देखे हमने। ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले ये चार्ट हटाता हूँ, फिर फ्रेश चार्ट ले लेता हूँ, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, फ्रेश चार्ट लिया। एक तो मैंने क्या कहा चेजिंग मार्केट के लिए, अगर किसी को याद है तो बता सकता है चेजिंग मार्केट के लिए क्या क्या चीज़ें हमें स्टार्टिंग में देखनी होती है, कोई भी बताएगा? काफ़ी वीडियो देखते हो आप मेरे, क्या क्या? मूव हाँ वो सभी फेलियर, बोल सकते हो कोई। हर एक रेजिस्टेंस का फेलियर, हर एक स्टॉपेज का फेलियर, ठीक है, और जैसे गैप अप,
ठीक है, और उससे रिजेक्शन स्टार्टिंग कैंडल सर फीवो को भी इग्नोर स्टार्टिंग से करता ही, था ठीक है, फिर वो भी ठीक है। जो और ओपनिंग, है सर, वो एक तरह से वही हो जाता है, उसका लोअर या अपर पॉइंट हो जाता है। ठीक है रिजेक्शन रिट्रेसमेंट बहुत कम लेवल पे आते हैं और बेयरली आते हैं, बहुत ठीक है। छोटे छोटे कैंडल बना के रेस्ट लेता है, भागता है ठंडा करता है, भागता है ठंडा करता है, ग्रीट देता है सेलर्स को कि आओ, इनवाइट करता है और फिर ऊपर भागता है। चलो बेस्ट है, साइकोलॉजी वाइज एक्सप्लेन किया। और कोई कुछ सर बोले? स्टार्टिंग के पहले दूसरे रिजेक्शन फेल हो जाते हैं और टाइम बाय रिट्रेसमेंट करता है, और रेड स्टेप देखते हैं तो वो भी फेल होते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मार्केट चेंजिंग हो सकता है। पंकज बोल रहे हो, बढ़िया, बहुत अच्छे, जी सर चलो ठीक है, सही कहा। देखो, एक तो मार्केट गैप अप होता है और गैप अप के बाद में उसको सस्टेन कर जाता है, ये पहली निशानी, और ये कंप्लीट निशानी है नहीं, ये मत समझ लेना कल से ऐसे ही ट्रेड करना, चीजों को कलेक्ट करा करो, ठीक है। साइकोलॉजी भी जरूरी होती, पहली निशानी क्लियर हुई, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग के रिजेक्शंस। तो स्टार्टिंग के रिजेक्शंस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब रिजेक्शन फेल हो गया, ठीक है। अब मैं रेड स्टेप्स की बात करता हूँ, तो रेड स्टेप में क्या, एक या दो स्टेप्स फेल हो जाते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं लिया, तो रेड स्टेप हो चुका है। अभी भी मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है तो मार्केट चेंजिंग है। देखो, मार्केट उठ सकता है, चीजें देखो, मैं तीन फेस में मार्केट को देखता हूँ, मैं हमेशा आपको कहता भी हूँ, तीन फेस होते हैं जिसमें एक फेस में बेस होता है, दूसरे फेस में ब्रेकआउट, वैसे तो कवर का ही ब्रेकआउट होता है, तीसरे में कंप्लीट ब्रेकआउट। जैसे मान लो चार्ट ऐसे करके आ रहा है, ये ब्रेकआउट एरिया है, ये भी एक ब्रेकआउट एरिया है, तो ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है और ये तीसरा फेस है, ठीक है। कोई ग्रीड यहाँ होता है, कोई ग्रीड यहाँ होता है, कोई ये इस जगह पे कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये लेवल आता है, थर्ड फेस आता है, वो सबसे ज्यादा ग्रीडी होता है रिटेलर, तो अगर वहां से भी वो रिट्रेसमेंट नहीं लेता, इसका मतलब हर तरह के रिटेलर को पैसा मार्केट दे रहा है, साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं, दे रहा है, इसका मतलब दे रहा है तो लूटेगा भी, और उसी डायरेक्शन में लूटेगा, दे रहा है तो साइन दे रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, उस साइन का यूज करेंगे। जब मार्केट ने यहाँ से साइन दिया, अभी थोड़ा सा हम और कंफर्म होने के लिए भी रुक जाएं, क्योंकि मार्केट पूरे दिन का बड़ा चेंजिंग है, तो ये वाला पूरा जो रिट्रेसमेंट रहता है वेट कर लो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो जोन है ना, वो एक टाइम में बिताया, प्राइस में नहीं बिताया, यानी कि टाइम ही बिताया है, प्राइसली करेक्ट नहीं किया मार्केट ने, तो क्या बोलेंगे, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट जो है वो रिट्रेसमेंट ऐसे होता है, जबकि रिट्रेसमेंट में इसमें सिर्फ टाइम एक ही जगह पे बिताया, तो टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, नीचे आता था हम क्या बोलते हैं, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट, तो प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट तो है ही नहीं, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट एक ही टाइम पे बिता गया, इसका मतलब अग्रेशन ज्यादा है, मार्केट सेलर में होप दे रहा है, और जहां भी मार्केट होप दे रहा है वहां मार्केट फेल कर रहा है, ठीक है। अगर लगता है कि ये एरिया डिस्काउंट है, अब नीचे जा सकता है, हम अगर डिस्काउंट ट्रेडिंग करते हैं ना, हम सोचते हैं कि चलो ये एरिया डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या बचाती है, साइकोलॉजी, ठीक है। आपका छोटा ऐसा लग जाए कोई बात नहीं, ट्रेडिंग एरिया है, छोटा ऐसा लग गया या छोटा प्रॉफिट निकला, नहीं प्रॉफिट निकला, मार्केट ऊपर गया, एसएल छोटा है, आप सेफ हो गए, आपने सोचा कि ये डिवाइडर है, पहला रिजेक्शन है, मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, मार्केट नीचे की साइड आया, नीचे आ सकता है, काफी उठा हुआ है, तो साइकोलॉजी बचाती है आपको, इधर से सेल करते हो तो अगर मान लो यहाँ सेल करते हो, ट्रेडिंग एरिया मिलता है तो आप बाई भी करोगे, ठीक है। ये चीजें अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बन रही ट्रेड को बता रहा हूँ, बट हम अब यहाँ पे ट्रेड क्यों ना ले, सीधा सीधा रीजन, मार्केट स्टीप है, मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया, मार्केट रेड स्टेप बना चुका है, ठीक है, रेड स्टेप बनाने के बाद में मार्केट टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कर चुका, मैच्योरिटी का टाइम आ चुका है, मैच्योरिटी के बाद में भी ओवर कर रहा है, तो कभी भी कोई भी एंगल, और फिर जब ये एंगल फेल होता है तो पूरे तरीके से फेल होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाना चाहिए, नॉर्मल अगर मार्केट हो तो जाना चाहिए, अगर अभी नहीं जा रहा मतलब फिर पैनिक होता है, क्यों पैनिक होता है, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी ट्रेप है, यहाँ साइकोलॉजी ट्रेप है, प्राइस एक्शन को हम कैसे देख रहे हैं, साइकोलॉजी ट्रेप के अकॉर्डिंग, पैटर्न्स कैसे देख रहे हैं, जिसमें पैटर्न्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुई, स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए, ठीक है, जैसे पहली ग्रीड, दूसरी ग्रीड, तीसरी ग्रीड, फिर
फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, टाइम बिताया टाइम के साथ, और सब चीज़ों के हिसाब से कहाँ मैच्योरिटी हो, क्या चीज़ है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टेप इंपॉर्टेंट हुए, फीबो कहीं नहीं लिया, टाइम वाइज बिताया, यहाँ पे पजल करना स्टार्ट करता है, फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं लेता, डबल टॉप बनाता है बैरियर अच्छा, फिर भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, उसके बाद में भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, क्लियर सब कुछ हो जाता है इसी फेज के अंदर। ठीक है, ये हो गए अपने इसके ऊपर के साइन, मतलब एक सेकेंड। सर ये रेड स्टेप क्या होता है सर, एक बार प्लीज बता देंगे। देखो रेड स्टेप्स जब मार्केट स्टेप बनाते हुए चलता है कि एक ठहराओ, दूसरा ठहराओ, तीसरा ठहराओ, ऐसे करके, तो जब मार्केट इस दिशा में चलता है तो मार्केट अगर जा रहा है तो मार्केट को रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, रिट्रेसमेंट रेस्ट को ही बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। तो अगर वो रेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है, तो मतलब उसे लंबी दूर जाना है या उसके पास ऑटोमेटिक पावर है, तो अब क्या करेगा, जैसे यहाँ पे रेस्ट नहीं लिया, यहाँ पे रेस्ट नहीं लिया, कब तक रेस्ट नहीं लेगा, रेस्ट नहीं ले रहा ना, रेस्ट नहीं ले रहा, तो हम एक समय के बाद में एक स्टेप को रेड स्टेप बना के और ऊपर से क्लियर करते हैं कि चेंजिंग का एक स्टेप हो जाता है कि मार्केट चेंजिंग है। फिर हमें कभी भी मार्केट जब ऐसे ऐसे दो एंगल तीन एंगल आपको बनाने चाहिए मार्केट की गिरावट के, और अगर वो क्लियर न करे और GIA बना के फिर गिरावट न दे, तब तक हमें नीचे सेल नहीं लेना चाहिए, और मच्योरिटी के साथ, मच्योरिटी में टाइम बिताएगा और उसमें ग्रीड देगा, और ग्रीड के लिए हमेशा स्लेंट होती है, ये नहीं होता, ये स्लेंट होती है, ये एंगल क्या दिख रहा है आपको, स्लेंट नहीं दिख रहा इसमें, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ऐसे स्लेंट बनाओगे तो ये स्लेंट नहीं है, प्रॉपर स्लेंट नहीं है। ठीक है, स्लेंट एंगल ऐसा होता है जैसे मार्केट स्टेप नीचे रख रहा हो, अब नीचे देखो ऐसा कहते हैं ना, जैसे हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो से लोअर लो, लोअर हाई स्टार्ट हो चुका है, अब मार्केट का फेस स्टार्ट हो गया है, और ऐसे में जैसे ही तीसरा फेस आता है फिर इधर की साइड से ब्रेक करते हुए मार्केट क्या करता है, इन लोगों को ट्रेप करता है, ये प्राइस एक्शन गलत नहीं होता बट ये ट्रेपिंग एंगल होता है जिसको हम GIA में करेक्ट करते हैं, उसके बाद में मार्केट देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, बेस्ट मार्केट का ट्रेड करने का अप्रोच एरिया देखते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं समझ, बढ़िया नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सर, समझ में आया, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया सर। हाँ ठीक है, तो अगर मार्केट का एंगल ही ऐसा नहीं है जो स्लेंट कहें हम, देखो ग्रीड भी दे और GIA यूज करे नीचे का, तो मार्केट धीरे धीरे ठंडा होता होता है, फिर वहां ग्रीड स्टार्ट होती है, उस ग्रीड में एक्सट्रीम ग्रीड होती है जब सेलर की, तो GIA बनता है, GIA में पिछली ग्रीड वापिस से उठ के आती है, तो ये सेलर का फोमो हो जाता है, सेलर का फोमो हुआ, सेलर का गेट आउट, अगली गिरावट में वो पार्ट नहीं ले पाते, वो यहाँ पे उलझते हैं, यहाँ उलझे यहाँ उलझे, और हम उसका फायदा उठा के नीचे के ले लेते हैं, तो हमारे लिए नीचे पैनिक प्रेशर एरिया बनता है नियर बाई। एक बार ये ना आवाज को म्यूट ही रखो सर, किसी को डिस्टर्ब ना हो, मैं म्यूट कर दिया सबको, बोलना है अनम्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर। तो यहाँ से अगर हमारा मार्केट क्लियर होता है तो हमें अप्लाई क्या करना होता है, BOS स्ट्रक्चर, देखो BOS लोगों के हिसाब से अलग होता है, मेरे हिसाब से तो BOS में हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, देखते हैं कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बने, मजे लो, और एंगल जरूरी नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, एंगल आपका ऐसे भी हो सकता है, नीचे गिरते हुए ऐसा भी हो सकता है कि ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है, और वहाँ के प्राइजेक्शन अब नॉर्मल बिहेवियर चीज़ें सब देखनी होती है। ठीक है, तो अब हम अप्लाई क्या करेंगे, आ रहे फिर जहाँ देखो, ये तो बीमारी समझ में आ गई कि रिटेलर को बीमारी लग गई है कि वो रिट्रेसमेंट चाहता है, उसे रिट्रेसमेंट के बिना बाय में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो यहाँ पलड़ा है ना रिटेलर का, वो एक साइड हो गया कि मुझे सिर्फ पुट ही चाहिए, पुट ही लेना है, और कहीं ना कहीं कोई किसी ने पुट ली 120 रुपये की ले ली, 150 रुपये की, 200 रुपये की ले ली, 200 रुपये वाली 60-70 आ गई, 120 रुपये वाली भी 60-70 आ गई, 200 रुपये वाली मान लो 90-100 के आसपास आ गई, तो वो क्या सोचता है, पड़ा है 90-100 रुपये, अब कितना ऊपर जाएगा, कल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो छोड़ के रखता है 60-70 वाली भी छोड़, उसको हाँ वही चीज, वही वही चीज, वही चीज़ें बता रहा हूँ, आवाज़ ब्रेक हो रही सर आपकी। ठीक है,
तो वहां पे क्या हुआ, नॉर्मली देखो एक बायर की ना सबसे बड़ी कमी मान लो, या सबसे बड़ी उसको मान लो कि उसने पैसा खोना था वो खो दिया, और ये बात यहाँ खत्म नहीं होती, याद रखना, ये तो सिर्फ स्टार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो सोचता है कि चलो 60 रुपया हो गया है, 200 रुपये का या 90 रुपया हो गया, अब इससे ज्यादा क्या खाएगा, ये तो सिर्फ एक सोच है जो इस सोच को बल दे रही है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और ये उसको सहारा दे रही, कोई बात नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। मेन पीछे जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी चल रही है, हिडन साइकोलॉजी, उसमें ये चीज क्या दे रही है, मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, यानी कि उसको ही बल दे रही है, कहीं ना कहीं ये ट्रेड के साथ आपकी 2 ट्रेड और खड़ी हो जाएंगी, कि चलो यहाँ से और बढ़ा लो, आपका बैलेंस बचा है तो, अगर दूसरी लोट लगाने का बैलेंस नहीं है तब तो क्या करोगे, ठीक है, लोगे लेकिन फूटी, तो यहाँ पे क्या हो गया जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पलड़ा एक साइड भारी हो गया, कॉल की साइड तो कोई है ही नहीं, पुट की साइड ज्यादा है, तो स्मार्ट मनी के लिए बिल्कुल रास्ता क्लियर है, मार्केट के अंदर आने वाली छोटी सी भी ग्रीड, सही जगह की छोटी सी ग्रीड, बट थोड़ा सा बचना होगा इस क्लाइमेक्स से, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी लेने में टाइम लेता है, याद रखना क्लाइमेक्स मोमेंटम में आदमी अग्रेशन में आता है, या तो वो प्रॉफिट लेके आता है या वो लॉस ज्यादा करके आता है, तो फाइटिंग करता है, समझ रहे हो मेरी बात, ये अग्रेशन था, ये क्या बोलेंगे, हाई एक्सपेक्टेशन, अग्रेशन है हाई एक्सपेक्टेशन, बट वो टाइम वाइज ही होता है, डायरेक्टली इसमें हम ट्रेड नहीं करते, थोड़ा अगर आप समझदार हो तो पेशेंस यहाँ मांगता है मार्केट, तो अब यहाँ पे स्मार्ट मनी के लिए रास्ता क्लियर है, मच्योरिटी देखने के बहुत सारे एडवांस सिस्टम भी है, मैं आगे आगे चल के सिखाऊंगा, बहुत सारे एडवांस सिस्टम है जिसमें मच्योरिटी निकाली जाएगी, जिसमें मच्योरिटी पता चलता है और अलग अलग तरीके से पता चलता है, ठीक है, और बाकी आप नॉर्मली एक समझ लो एक पैटर्न स्ट्रक्चर को देखते हुए कि अब ये मच्योर हो चुका है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे नए समझ में आए तो साइकोलॉजी बेसिस पे समझो, हमेशा मार्केट में रिटेलर को क्या ग्रीड मिल रही है, आपके अंदर से मन ये तो नहीं कर रहा कि यार मैं अभी सेल कर लूँ जा रहा है, अगर कह रहा है ना तो समझ लो कि वो हिडन साइकोलॉजी जो आपने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मार्केट के फेस में कलेक्ट करी है, जो मतलब बनी है आपकी स्टार्टिंग में, जैसे कि बाय कर लो या सेल कर लो, वो हिडन में रहती है, अगर वो आपका अंतर्मन कह रहा है कि चलो सेल करो सेल करो, समझ लो कि अब ट्रेप हो रहे हो आप, मार्केट ने अच्छा जाल बिछा रहा है, क्योंकि वो ही कहेगा जो आप चार्ट दिख रहा है, और चार्ट दिख रहा है और चार्ट दिख नहीं रहा, चार्ट दिखा रहा है रिटेलर को, जिसको कुछ नहीं आता उसको तो दिखाता है, दिखा के तो ट्रेड करेगा, नहीं तो फिर आप पहले दिखाता है फिर आप देखना शुरू करते हो, देखने के लिए आप इंडिकेटर्स लगाते हो, पहले ये दिखाता, दिखाने वाला भी गलत होता है और देखने वाले में भी मनी मैनेजमेंट न होने की वजह से गलत हो जाते हो, और उसमें भी जो दिखाने वाला एंगल होता है ना कोई इंडिकेटर, मैं ये गारंटी देता हूँ, आजकल सुबह शायद आज सुबह 3:30-4 बजे किसी का फोन आया था, वो कह रहा था कि RSI लगा रखा था उसने और मूविंग एवरेज लगा रखा था, आपको पता है कि मूविंग एवरेज इस दिन के लिए वरदान होता है, सबको पता है, कोई भी 20-22-21-20-19 जो भी मूविंग एवरेज लगा लगा के बैठ जाओ आपको पैसा अच्छा देगा देगा, एक इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, बट RSI आप इसके साथ मैच कर रहे हो, ये आपका इंडिकेटर क्या करेगा, मार्केट में ये चल रहा है तो ये कभी भी इसको पार नहीं करेगा, ये मार्केट चल रहा है ये मूविंग एवरेज है, कभी भी इसको पार नीचे की साइड करेगा नहीं, ट्रेड चलती रहेगी, लेकिन ये है ना बैरियर, ये जल्दी ओवरसोल्ड ऊपर क्या बोलते हैं, ओवरबोट बोलते हैं क्या, ओवरबोट हाँ, और नीचे का एरिया ओवरसोल्ड RSI में, ये लाइन ऐसे चलती है, तो यहाँ पे जो आप लगाते हो 20-30 के आसपास या इधर 80 के आसपास लगाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरबोट हो जाएगा ऑलरेडी, तो एक बैरियर आ गया ना आपके माइंड के लिए, तो प्रॉफिट्स को रोकने के लिए दोनों इंडिकेटर ने काम किया, मैंने कहा सर आप क्या यूज करते हो, बोल मूविंग एवरेज यूज करा, RSI यूज किया, मैंने नुकसान कितना, बोल 8,000 रुपये का, बोलो क्यों, क्या आपको मूविंग एवरेज ने सेल दिया, बोला नहीं दिया, बोल सर RSI नहीं दिया, तो मूविंग एवरेज ने बाई दिया, बोल दिया, तो काट क्यों लिया, बोल RSI ने कटवा दिया, तो क्या हुआ, और मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है ये दिन चलने का था चेंजिंग का था तो मूविंग एवरेज तो चलेगा, लेकिन ये दिन अगर यही होता तो अब उसमें खेल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जब रेंज है ये नहीं चलता, हाथ में तो आपके छोटा ही आएगा और जाएगा बड़ा, तो ये खेल होते हैं, मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है ट्रेड करने वाले के लिए ऐसे दिन के लिए, लेकिन क्या मूविंग एवरेज में काम कर पाया, वो लास्ट में लॉस ही क्यों लेके गया,
इंडिकेशन देखना है आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों मिला रहा था, तो फिर मूविंग एवरेज ने तो आपको एंट्री नहीं दी, तो आरएसआई से भी एंट्री ली क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हिडन साइकोलॉजी में पुट की डायरेक्शन के लिए रिट्रेसमेंट है, इसलिए ली। आप समझ रहे हो मेरी बात? इंडिकेटर ने नहीं दी, तो मैं ये खेल बता रहा हूँ कि लोग कैसे फंसते हैं। ये तो मेरे साथ सुबह ही बात हो रही थी, तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो ये चीजें अब आप यहाँ से हम स्टार्ट करते, चलो मार्केट हम ऐसे चला रहे हैं, ये एंगल आपको समझ में आ गया। मार्केट ने ये लेवल क्रॉस नहीं किया, आगे चल रहा है मार्केट, ये लेवल बना रहा है, ठीक है। अब देखो ग्रीड, अच्छी ग्रीड दी हुई है और इसको शांत करना जरूरी है, क्योंकि शांत करेगा, बट शांत क्या करेगा, सेल में नहीं जाएगा, पजल करेगा, सेलर को कलेक्ट करेगा, ठीक है। सेलर को कलेक्ट कर, देखो एक बार एक लेवल एसएल के दूर हो जाते हैं ना, तो कुछ लोग ट्रेड नहीं करते, फंस तो जाते हैं, लॉस बड़ा भी ले लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है, वो सेफ होने के लिए, मान लो यहाँ पे किसी ने बाई सेल कर ली और अचानक से मार्केट ऊपर चल गया, उसने काट ली, ठीक है, काट ली, फिर वो थोड़ा वेट करते हैं, उनको एसएल छोटा मिलना चाहिए, मतलब छोटा का मतलब स्विंग के हिसाब से एसएल लेते हैं, जो ज़्यादातर दुनिया स्विंग के हिसाब से एसएल लेती है, ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेडिंग करती है, ये नॉर्मल थ्योरी है, ठीक है। अब माइंडसेट तो हिडन वाला सेलिंग का ही है, तो अगर उसको कोई ब्रेकआउट मिले, किसी भी एंगल से मिल जाए, किसी भी एंगल से मिल जाए, तो वो सेलिंग में अग्रेसिवली आएगा, जिसको बोलते हैं फोमो सेलिंग, कि मार्केट यहाँ से ऐसा लगता है ब्रेकआउट के टाइम पे एक रिटेलर को, जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट कई तरह के होते हैं, ये ब्रेकआउट है, अब निकल के बस फास्ट होगा, यहाँ धीमा है तो फास्ट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट है अब निकल के फास्ट होगा, तो वो क्या सोचता है, मेरे हाथ से एंट्री निकली, तो यहाँ पे काम करता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो यहाँ क्या करता है, मेरे हाथ से एग्रेशन दिखा रहा है, कवर में एंगल दिखा रहा है सेल का, तो क्या करेगा, बोले हाँ अब रिट्रेसमेंट आया, अब मार्केट, तो यहाँ पे देखो ये एरिया जब ब्रेक किया, उसके बाद में देखो अग्रेशन दिखाया इसने, यहाँ पे ठहराव दिया, फिर अग्रेशन दिखाया, फिर ठहराव दिया, रिट्रेसमेंट, अग्रेशन दिखाया, अब सेलर को लग रहा है कि ये आ गया सही समय, अब जाएगा नीचे, तो जाएगा तो तेजी से जाएगा, बड़ा तेजी से उठा तो जाएगा, तो अग्रेशन में वो ट्रेड करता है, फिर क्या हुआ, मैं ये रिटेलर एंगल बता रहा हूँ, स्मार्ट आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। अब ये चीजों में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर एनालाइज करते हैं चार्ट्स को, तो वैसे तो ये चार्ट बना रखा है, कौन सा एरिया मार्केट में फास्ट मूव देता है, कौन सा एरिया मार्केट में फास्ट मूव नहीं देता, और मतलब जैसे अगर हम चेंजिंग की भी एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको एनालाइज और जिन जगहों को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलो हम फ्रेश चार्ट ही लेके चलते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे रिटेलर को होप दिखाई कि मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता हूँ, बट मार्केट में क्या उसने रिट्रेसमेंट लिया, ये एंगल दिखा के ब्रेकआउट भी दिखाया, ये एरिया में फिर से पजल किया, इस एरिया को ब्रेकआउट दिखा के फिर से होप दी डिस्काउंट के एरिया के साथ, ठीक है। अगर आप देखते हो कि चलो मुझे एम ट्रेप करना है, ये लो जी एम ट्रेप ऐसे करके हो गया आपका, बट फेल। अब आप सोचो कि सर एम ट्रेप फेल हो गया, बोल क्यों, अब मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी देखो, फिर कहोगे सर कैसी साइकोलॉजी, क्योंकि आप चल रहे हो स्टेप वाइज, स्टेप का मतलब मुझे तो तीन ऐसा बता दो कि ये देखूं और ये देखूं ट्रेड ले लूं, जैसे मूविंग एवरेज में ये 7, 21, 18, 19, 20 जो भी लेते हैं, ये पार करे ऊपर तो मैं बाय लूं, ये पार करे तो मैं सेल लूं, मुझे तो ऐसा रास्ता बताओ, ये मत बताओ साइकोलॉजी, ये तो कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे समझ में नहीं आती, तो फिर वो क्या करेगा एम ट्रेप। अब ये पता है क्या है, आप समझो चलो एम ट्रेप फेल हुआ, वो साइन नहीं लेगा, इससे लॉस लेगा बड़ा, अब साइन नहीं लेगा, साइकोलॉजी नहीं समझेगा। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया, आपकी हिडन साइकोलॉजी क्या थी, मार्केट गिरेगा, और स्टेप कैसे देख रहे हो, गिरावट के, तो आपको पैटर्न कैसे दिखेंगे, गिरावट के, क्या आपको उठावट के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, अगर दे रहे हो तो बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि ये हेड एंड शोल्डर है, ये मान लो हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे ये उसका ट्रेप है, इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे दिखेंगे, लेकिन हम मैं पैटर्न पे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं जैसा सिखा रहा हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, नहीं मैं पैटर्न देख के ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम यहाँ देखते हैं, कहाँ बात चल रही थी अपनी, ये एरियाज में बात चल रही थी, ठीक है,
या ऊपर वाले एरिया में से, इस एरिया में थी अपनी बात। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं कोई पैटर्न, तो आप क्या देख रहे हो, एम ट्रैप देख रहे हो, ठीक है। एक स्विंग बना छोटा सा, ये बना, इस एरिया से पार किया, इसके और इसके बीच एरिया में, इस बैकग्राउंड के प्राइस एक्शन को लेके मार्केट नीचे जा सकता। सिंपल साइकोलॉजी, आपको ट्रेड करने ये एरिया पार नहीं करेगा, छोटा एसएल ट्रेड ले ली, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि आपकी हिडन साइकोलॉजी काम कर रही है, जो कि एक रिट्रेसमेंट डिमांड करती है, उसके बेसिस पे आप पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हो। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट के चेजिंग के स्टेप क्लियर हैं, ये साइकोलॉजी का एक अहम चीज़ है, ठीक है। चेजिंग वाले कॉन्सेप्ट स्टेप सब तरीक़ों से हमने क्लियर किया। तो जब तक मार्केट के एंगल्स नहीं ब्रेकआउट हो जाते हैं किस तरीके से, और उसके नीचे थोड़ा सस्टेन न कर दे, अगर मैं देखूं वेव वाइज, तो वेव क्या थी, वैसे वेव देखेंगे तो एक वेव ये है, एक वेव ये है। इस हिसाब से अगर ब्रेक करके मार्केट सस्टेन कर जाए, और वो भी ऐसा नहीं, इसकी पहले तो ग्रीड तोड़नी पड़ेगी, चाहे ये आए ऐसे ऐसे करके, फिर मच्योरिटी लेनी पड़ेगी, फिर बेस्ट एंगल सेलिंग देना पड़ेगा, फिर हम सेलिंग करेंगे। नहीं तो नियर ब्रेकआउट जो होते हैं उसका होल्डिंग ये फेल करते हैं, ऐसे मौकों पे जब साइकोलॉजी वाइज रिटेलर का पलड़ा एक साइड भारी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीओएस चीट पॉइंट, ठीक है, बीओएस चीट पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा अभी देखो कोई भी ऐसा एंगल नहीं, जिसने भी एक चार्ट भेजा था किसी ने मुझे ट्रेलिंग के लिए, उसने पता नहीं गेन वेव लगा रखा था, कुछ ऐसा लगा रखा था, मैंने आपको शायद इसमें भी सेव किया था बाद में। मैंने देखो ये ट्रेड भेजी थी किसी ने, बोला सर मैं शायद ये जो भी प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता कौन सा प्लेटफॉर्म है, बट उसने कोई 2800 की क्वांटिटी ले रखी 109 पे, पूरा ट्रेल किया 378 पे, 7 लाख के आसपास का कुछ प्रॉफिट था हमारे लिए। तो फिर देखो यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल किए हुए। अब ये मैं उनके लेवल के हिसाब से नहीं देख रहा, जो भी है मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या किसी भी एंगल से मार्केट ने जोन को शिफ्ट किया कहीं भी, मुझे नहीं पता मैं वो क्या लगा रहा नहीं लगा, बट जोन शिफ्ट किया है, बताओ। कोई भी पायदान पे जोन शिफ्ट नहीं किया, यानी कि ग्रीड ग्रीड ओवर ग्रीड, और जब ग्रीड ग्रीड ओवर ग्रीड होने लग जाती है तो प्रेशर और क्लाइमेक्स मूव। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स मूव है, ये क्लाइमेक्स मूव है, वैसे इसका चार्ट 2 मिनट का है, ठीक है। क्लाइमेक्स मूव यहाँ नहीं दिख रहे, आपको एंड में दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि चेजिंग मार्केट क्या करता है, कल किसी को बताया था मैंने, कल परसों की क्लास हो रही थी शायद, जब बताया था चेजिंग मार्केट क्या करता है, स्टार्टिंग में देखो अगर वो फ्रेश निकल रहा है, स्टार्टिंग होती है पहली 9:15 से, तो वो मोमेंटम फास्ट देता है, रिजेक्शन फेल करता है। अगर वो चेंजिंग हो रहा हो करंट मार्केट में, जैसे मान ले ये मार्केट अब यहाँ से चेंज करना है, तो उसकी स्टार्टिंग धीमी होगी, फिर वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, फिर वो स्ट्रेंथ, अब इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड तेज होगी, फिर धीमी करेगा, फिर तेज करेगा, फिर धीमी करेगा, फिर लास्ट में अग्रेशन तेज बढ़ा देगा, ये इसका फ्लो होता है। अगर हम देखते हैं, 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट, 5 मिनट का नहीं, 1 मिनट का लगाते हैं, देखो यहाँ अग्रेशन है, ये अग्रेशन है, इसके बाद अग्रेशन धीमा हो रहा है, हो रहा है, अब अग्रेशन देखो कितना बढ़ रहा है। और ये जितनी फाइट बढ़ेगी ना, जितनी फाइट रिटेलर की, उतना मजा स्मार्ट मनी लेगा। और जो कहते हैं ना एक ही दिन में वाइप आउट हो गया, वो ऐसे दिनों में होता है, और ऐसे दिनों में जो एवरेजिंग करते हैं उनके लिए सबसे खतरनाक दिन है, और जो सही से ट्रेड करते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला डे है। सबसे ज्यादा पैसा आप कमाओगे। चेजिंग मार्केट कई तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते, ठीक है। अभी ये स्टडियां मैंने प्रो में भी नहीं करवाई है चेजिंग मार्केट की प्रॉपर पूरी, बट कई तरह के होते हैं, उनकी स्टडियां करनी चाहिए, बहुत जरूरी स्टडियां, इसके कैसे चार्ट बनते, कैसे अब इस वाले मार्केट में TQR नहीं बना, नहीं तो चेजिंग में TQR बनता, बहुत मजेदार बनता है। TQR QRT अलग होता है, TQR अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया मोमेंटम देता है, यानी कि बेस्ट डिस्काउंट मिलता है TQR, बट उसके स्टेप्स और उसके भी फॉर्मेशन होती है समझने के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने लगभग कवर किया है। अब अगर किसी का सवाल है, देखो इस जगह अगर पूरे दिन में देखो, बेस्ट रिट्रेसमेंट जो दिया है ना, वो आके दिया है इस एरिया के 13 साढ़े 13, मतलब 2 बजे के आसपास, और 2 बज के 10 मिनट की कैंडल से फिर वापस उठ गया, तो ये रिट्रेसमेंट भी फेल हुआ है। अगर इस रिट्रेसमेंट में भी हम एंगल देखें यहाँ के बाद के,
तो ट्रैप करके इसको भी बाहर नहीं निकला, इस साइड को ट्रैप करके सारा लेके ऊपर निकला। सर थर्सडे का भी एनालाइज दे दो सर, कल का भी एनालाइज दे दो सर, क्या रहेगा मार्केट का, थोड़ा गाइड कर दो। कल का एनालाइज देंगे, इसका कोई सवाल है तो आप बोल सकते हो। सर ये एजी ट्रैप हो सकता है ये जो आपने बताया अभी, ये वाला? यस सर, हाँ हो सकता है एजी ट्रैप। मैं इसको अगर हम देखें, देखो हम रेसिस्टेंस सपोर्ट निकालते हैं ना, तो यहाँ पे ये एरिया कनेक्ट कर लो, तो ये आपका रेसिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट, ठीक है। आपको ये एरिया मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा। 120 स्ट्रक्चर में भी आ जाएगा, एज स्टेप का ट्रेप है, फास्ट हो रहा है, तो उसको जो ये ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट को प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन मिल गया। आप चाहे इसको इस एंगल से सीधा करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन है। ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट था, बट जब सारे थक हार लिए तो एक होप और दिए, और बढ़िया होप दिए, और उसके बाद में क्या किया है आप समझ लो कि ये ग्रीड बड़ी है। यहाँ के मार्केट के बाद में सबसे बड़ी ग्रीड ये है, और उसके बाद में अग्रेशन ही बढ़ा है इसके। इस यहाँ तक स्पीड में इतना वो नहीं है फ्लो, इसमें स्पीड में फ्लो ज्यादा है क्योंकि ट्रेप ज्यादा हुआ है। चेंजिंग मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। और भी और किसी का सवाल, किसी का सवाल नहीं है तो कल के लिए लें, कल क्या रह सकता है। नमस्ते सर। हाँ बताइए सर। सर एक दिक्कत ये आती है, जैसे कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो बताओ बताओ, आवाज कट रही है सर आपकी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। चलो अभी सवाल जो आवाज नहीं आ रही है वो एक बार लिख के भेज दो, मैं 2-4 मिनट में देख लूंगा, ठीक है। अभी हम कल के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बताया है ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला रहा है, और अगला मार्केट जो है वो एक्सपायरी का है, आज की छुट्टी है, कल के दिन मजे लोगे, तो कल के दिन मजे लेने वालों की सीधी सी बात, अगर मार्केट इसके इनसाइड में खुले तो बड़ा रेंज लेना मुश्किल है, और बड़ा रेंज लेगा तो एक ठहराव, एक मौका देगा रेंज के पार करने के बाद में, शार्प डायरेक्टली नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। और दूसरी बात है, इस एरिया के ऊपर ये एरिया सबसे ज़्यादा पजल का एरिया होता है। देखो मैं क्या कहता हूँ, जब मार्केट स्टार्ट होता है तो एक FCFR लेवल बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली देखो स्मार्ट मनी या स्मार्ट ट्रेड वो हमेशा टॉप और बॉटम पे मिलेंगे, मिडल में तो सिर्फ रिटेलरों की फाइट होती है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो बैठा है वो स्मार्ट है, जो इस लेवल के ऊपर बैठा है वो स्मार्ट है। तो लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और इसमें ट्रेपिंग इंपॉर्टेंट होती है देखने के लिए, क्योंकि उसको पकड़ में आनी चाहिए स्मार्ट मनी। तो ये एक ब्रेकआउट था, अच्छा ब्रेकआउट था जो मेरे से चर्चा की गई है, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट डे कैंडल के ऊपर मिला था, जिसपे मैंने वीडियो बनाए भी है, उस टाइम भी कहा था, और उसके बाद में आई है अच्छी गिरावट थी। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी या बड़ी पोजिशन वाले इंस्टीट्यूशनल बैठे हैं, तो ये लेवल कटना नहीं चाहिए बाइंग के लिए, और ये कटता है तो आप बाइंग की तैयारियां करो हर डिस्काउंट को ऊपर के लिए, और इसके बाद में अग्रेशन बढ़ेगा, और यहां से अगर मार्केट स्टार्ट हो चुका अग्रेशन में, अगला जंप के साथ ही जाएगा, छोटा मोटा जंप, इस एरिया के अंदर का जंप भूल जाओ, ट्रेड नहीं करना, मार्केट को निकलने दो, मौका देगा बढ़िया वाला। अगर ऊपर की साइड खुल के चले मार्केट ऊपर तो बहुत बढ़िया रहेगा, बस सावधानी, देखो एक ही चीज होती है मैं तो बताता हूँ, SL पे अपना कंट्रोल कर लो, आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, टारगेट्स को ट्रेल करना शुरू कर दो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। SL पे कंट्रोल कर लिया, सारी चीजें नहीं करी तो होगा क्या कि आप सम टू सम गेम के आसपास चलते रहोगे, और आपने ट्रेलिंग बेटर कर ली तो प्रॉफिट में बहुत अच्छे से ऊपर चलते रहोगे, ठीक है। तो कल के प्रेडिक्शन में इंपॉर्टेंट है ये एरिया बाइंग के डायरेक्शन में, और बाकी तो देखो ये कवर जोन है, स्पीड यहाँ तक की है, अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ तक की, एक लेवल यहाँ के आसपास है, आप POC बना के खुद भी देख सकते हो, ये लेवल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेवल है, इनके बीच में फंस सकता है मार्केट,
और कवर जोन में है, मार्केट पहले काफी ज्यादा वो हो चुका है। तो मार्केट क्या है, ये रहा है ना, एक सेकेंड रुकना, हेलो सेशन चल रहा है, कुछ जरूरी बात है तुमका? नहीं मैं सेशन चल रहा है अभी, बीच में नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आगे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर मार्केट जाता तो पहला देखो, ये जो है ना, ये बैरियर जो हिडन प्राइस है, ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्केट इसके ऊपर भी ठहरा रहता है और इसमें एक आध दिन अगर खपा देता है तो मार्केट बाइंग की स्ट्रेंथ ले रहा है, और जैसे निकले तो बहुत अच्छा निकलेगा। अब अगर बाइंग का अग्रेशन देखना है तो ये लेवल पार होते हुए ही मार्केट खुले तो बहुत अच्छा अग्रेशन आपको एक्सपायरी के दिन देखने को मिलेगा, वन साइडेड। फिर भी मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग के कुछ मिनट जो चेजिंग के हम साइन देखते हैं, क्योंकि दिन पूरा पड़ा रहेगा, स्टार्टिंग का कुछ टाइम उसको कंफर्म करने में निकालो और एसएल को कंट्रोल करो। नीचे की साइड में आएगा तो ये पजल बॉक्स है, यहाँ पे भी पजल है, और इससे नीचे आएगा अग्रेशन बढ़ाएगा, फिर ये लेवल मार्केट को ठहराव देगा जो इसकी क्लोजिंग के आसपास हम देखते हैं, फिर ये लेवल इसके बाद में स्पीड बढ़ पाएगी। यहाँ बैरियर्स हैं और करंट के बैरियर्स हैं, ठीक है, ये करंट के बैरियर्स हैं सारे के सारे। तो नीचे की साइड में ज़्यादा बड़े मोमेंटम नहीं है, बट एक बात और बता दूँ, ग्रीड आएगी तो इस साइड की आएगी, तो यहाँ स्लेंट होगा या ये खुल के नॉर्मल ऐसा ऐसा डिस्काउंट देगा, जो डिस्काउंट बेस्ट देगा, ट्रेप मिलेगा, छोटा ऐसा मिलेगा, तो ये ग्रीड वापस कवर कर जाएगी। इसको ब्रेक करना छोड़ो, बट यहाँ के तो मजे ले लोगे अगर मार्केट इनसाइड रहता। साइकोलॉजी वाइज मार्केट देखेंगे, कोई भी ये सोच के नहीं बैठेगा कल का मार्केट ऊपर कूद जाएगा, कल का मार्केट नीचे चला जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। मार्केट में पैनिकनेस भी आ सकती है, मार्केट एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। करंट के प्रोजेक्शंस में हो रहे साइकोलॉजी के इम्पेक्ट के हिसाब से हमें ट्रेड के ट्रिगर ढूंढने पड़ते हैं। MTF सिर्फ उसमें व्यू देते हैं, ट्रिगर्स हमारे एक मिनट पे, SL हमारा सबसे बड़ा वरदान है और ट्रेलिंग हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट। ये ही ध्यान रखो, ये मूल मंत्र। किसी का कोई और सवाल है? निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, किसी का भी कोई सवाल है बोलो। अगर सवाल है तो हम चलते हैं। मैंने मैसेज किया है सर, एक बार देख लीजिए। एक सेकेंड, ठीक है सर। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मैं डाउन ट्रेंड को ढूंढता हूँ, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड, इसको कैसे ठीक करें? आप कह रहे हो कि मार्केट सेम सेम क्वेश्चन मेरे साथ भी है सर। हाँ, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं, किसी एक चीज और एक पहचान को लेके मत बैठो। जैसे ये कहा जाता है कि ट्रेंड ट्रेडिंग करो, ठीक है, ट्रेंड ट्रेडिंग करो, ये भी ठीक है। अब आप कहते हो कि मैं ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग करूं, जब बाय जा रहा है सेल जा रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो रिवर्सल ही ट्रेड करते हैं, सक्सेस होते हैं। अब न मैं इसकी बात करूं, न मैं इसकी बात करूं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमेशा ट्रेड करो, डिस्काउंट प्राइस एक्शन पे मिलता है। मार्केट ट्रेंड में चलते हुए देखो, ऐसा है, एक बड़े यूट्यूबर अगर बड़ा एसएल दे रहा है और उसका टारगेट ऊपर की साइड भी बड़ा ही है, वो हिट कर जाएगा, उसके बीच में रिटेलर 5 बार प्रॉफिट कमा जाएगा पुट के डायरेक्शन में और वो कॉल कमा जाएगा। तो आप ये मत समझो कि ये गलत था या ये गलत, दोनों सही, और शायद ये 5 बार में इससे ज्यादा कमाया जाएगा पुट के डायरेक्शन में। तो बात डायरेक्शन की नहीं है, बात बेस्ट एंगल पे ट्रेड पकड़ने की है। अपना ट्रेडिंग एरिया, अपना एंट्री प्लेस और अपना एसएल, ये कंफर्म कर लो। ये ट्रेंड डायरेक्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो, सारी चीज़ों के लिए एक ही अहमियत है, एक तो रेसिस्टेंस सपोर्ट आपकी नज़र में होना चाहिए, और दूसरा रेसिस्टेंस सपोर्ट के पीछे एक हिडन साइकोलॉजी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बड़े चार्ट पे ले लेता हूँ। यहाँ रेसिस्टेंस बना रखे हैं क्या मैंने? यहाँ रेसिस्टेंस है एक दिन के ऊपर। चलो जैसा भी, एक काम करते हैं हम, इसको निफ्टी का ही चार्ट है, 1 घंटे के ऊपर लेता हूँ, यही दिन ले लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये रेसिस्टेंस मैंने बना रखा है, इसको हाइड करते हैं, हाइड करेंगे तो सारे लेवल जाएंगे, कोई भी ले लो, चलो ठीक है।
कोई सही सा एरिया दिखाऊं जिसमें आपको सही एक्सप्लेनेशन मिल जाए। चलो ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ये वाली कैंडल एक रेसिस्टेंस पे अप्रोच करी, मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आ गया। अब आप ये समझो ना, नॉर्मल रिटेलर, आप ध्यान रखना एक घंटे का चार्ट है ना कि एक मिनट का चार्ट, गड़बड़ मत करना। मार्केट यहाँ से फास्ट था, पूरा फास्ट था, ऊपर की साइड में गया, लगभग तीनों कैंडल बॉडीज आउट करते हुए गई हैं अच्छे से, तो ये लेवल था। अब आप में से कौन कहेगा क्या ये लेवल काम किया या नहीं किया, यस या नो? Yes. Yes. कोई नो कहेगा? क्योंकि इसके बाद में मार्केट ने गिरावट दी, कितने पॉइंट की, 115-120 पॉइंट की, बहुत होती है छोटे एसएल वाले के लिए। तो आपने कहोगे कि रिट्रेसमेंट तो लिया, चाहे वो टाइम वाइज इसका फीबो ही लिया होगा, ऐसे करके फीबो देखोगे फीबो ही लिया होगा, बट रिट्रेसमेंट लिया, मतलब लेवल ने रिएक्ट किया। गलती कहाँ होती है एक नॉर्मल रिटेलर से, ट्रेंड लाइन चल रही है वो एनालाइज करेगा तो ट्रेंड लाइन काम कर रही है। अब उससे गलती पता कहाँ होती है, उससे गलती होती है कि यहाँ मार्केट अप्रोच कर गया, जैसे ये एक कैंडल ठहर गया, यहाँ पे भी जब अप्रोच किया उसके बाद में कम से कम 10-12-15-20 कैंडल तो एक मिनट की बन गई होंगी, और लगभग एक घंटे की कैंडल यानी कि 50-60 कैंडल यहाँ बन गई होगी, तो लगभग 60-70 कैंडल के अप्रोक्स बन गई है इस एरिया पे एक मिनट की। तो आप में से मुझे ये बताओ इस एरिया पे अप्रोच करते ही सेलिंग तुरंत देखना स्टार्ट कौन करता है? नॉर्मल रिटेलर करता है, स्मार्ट मनी मैच्योरिटी का वेट करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है रिटेलर, इसमें लेवल काम करेगा लेकिन उसका दिमाग काम करने लायक मार्केट छोड़ेगा नहीं। प्रॉब्लम ये होती है लेवल के साथ में, अगर हम देखें तो जहां भी हम लेवल देखेंगे ये लेवल इसके आधार पर बनाए गए थे। जैसे हम जो भी लेवल देखते हैं उन लेवल्स पे यही प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लो इसके नियर बाई रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस और प्रोटेक्शन देखते हैं, एंगल देखते हैं, यहाँ देखेंगे हम एक अच्छी क्यूआरटी बनी, ये लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट बना, सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में, ये भी एक रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को डिट्टो कॉपी नहीं करते, ऊपर से भी हम प्रोटेक्शन में देख रहे हैं, प्रोटेक्शन भी आया है, रेसिस्टेंस ब्रेक भी हुआ है, इस एंगल से हम देख के ट्रेड ले रहे हैं। अब मैच्योरिटी न देखने वाला बंदा तो यहीं कूद गया, यहाँ 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 कूदता रहा, फिर परेशान होके जब ये ब्रेक किया, प्रोटेक्शन नहीं देख रहा वो, ब्रेक किया, अब ये लेवल जैसा भी है यहाँ ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की क्लोजिंग हो गई, वो बाइंग में आ गया और मार्केट ने बैंड बजा दी पूरी। तो क्या इम्पोर्टेंट हुआ, ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट हुआ, यहां से भी ब्रेकआउट दिखाया है, ये प्रोटेक्शन है, समझ रहे हो मेरी बात को? एक रिटेलर है ना इस चीज को समझता नहीं है, और उसकी ट्रेडिंग में जो कहते हैं ना कि हम ओवर ट्रेड करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग क्या है कि ना समझी की ट्रेड है, बाकी ओवर ट्रेड वो होती है जिसमें स्टोरी ना हो, मेरी नजर में वो ओवर ट्रेड क्या करता है, उसको वो लाइन चाहिए अप्रोच में, ये तो समझो 15 मिनट पे भी आया है, दो एक आध कैंडल रुक सकता है, तो कम से कम वहां के चार्ट स्ट्रक्चर की मैच्योरिटी तो देखो। और मैं इसको अपने एंगल में कैसे लेते, मार्केट अभी स्पीड में है, क्लाइमेक्स मोमेंटम है, ठहरो हाई एक्सपेक्टेड होगा, मैं चिल्लाता रहूंगा मार्केट यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, हमारे लिए साइन देगा, लेकिन मार्केट अगर 90% 80% वहां पे रिएक्ट कर रहा है तो तुम फिर क्यों रिएक्ट, का मतलब ये नहीं कि सेलर को पैसा दे रहा है, मार्केट पजल कर रहा है, दोनों साइड को परेशान कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर आप उस एरिया में क्यों, वो ओवर ट्रेडिंग जोन कहता हूं मैं उसको, ओवर ट्रेड क्यों, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगते हैं अगर इस एरिया में, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस सब लगे, अरे तो वही तो एरिया, मार्केट पैसा देता है, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो ना, आपने ये वाली ब्रेकआउट ट्रेड करा होगा, यहां तक प्रॉफिट ले लिया, किसकी हिम्मत है यहां तक प्रॉफिट ले ले, लिया होगा इस ब्रेकआउट पे थोड़ा सा निकाल लिया होगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा यहां दे दिया होगा। ये होती है हिडन साइकोलॉजी, आप में से करके देख लो, मान लो आपने ये लेवल बनाया एक ऐसे ऐसे करके, ये लेवल रिएक्ट कर रहा है, चलो बढ़िया जैसा भी है कर रहा रिएक्ट, अब आप यहाँ देख रहे हो कि मार्केट अग्रेशन में आया, सर जी बताते हैं अग्रेशन में आता है तो ऐसा ब्रेकआउट है, प्रोटेक्शन आ रहा है, मार्केट नीचे आ सकता है, हम ट्रेड करें, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि दो घंटे मार्केट रुका हुई है, 120 कैंडल हो जाती है एक मिनट की, और इतने में तो आप कितना नुकसान कर दोगे आपको नहीं पता। तो समझ अगर है
तो चार्ट की मैच्योरिटी को समझना भी शुरू करो। लेवल काम कर जाएगा, मैं तो आपको आके एक घंटा भी दिखा दूंगा, देखो लेवल काम किया ना, सारी दुनिया दिखाएगी, आप बैक टेस्टिंग में देखोगे आपको भी लगेगा अरे यार लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है फास्ट, लेवल बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट, एक घंटा ठहर तो अभी काम कर रहे हैं लेवल, सारी चीजें लेवल के हिसाब से आपका दिमाग काम कर रहा नहीं कर रहा, आप तो सिर्फ उस लेवल को पकड़ के बैठे हो। लोग कहते हैं यूट्यूब पे 17,850, चलो ये 17,850 के लेवल पे आएगा ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, इसको रेसिस्टेंस लेके चलना, यहाँ मार्केट आके रिएक्ट कर सकता है, मार्केट रिएक्ट करेगा उसको नहीं पता कि पीछे पागल कितने नुकसान कर गए, वो दूसरे दिन दिखाएगा देखो अपना लेवल काम किया, फिर वो रिटेलर आके कहेगा यार मेरा ही दिमाग खराब है, वो एनालाइज नहीं करेगा बैक में जाके मैंने क्या किया था, मेरी ट्रेडों में क्या मिस्टेक्स थी, वो सिर्फ ये करता है कि यार मैं ओवर ट्रेडिंग कर गया, उतना पता है उसको वहाँ 10-15 ट्रेड कर दिए नुकसान कर दिया बाद में गया मार्केट, लेकिन एनालाइज आके अगर कोई भी एक रिटेलर आप में से ऐसी हजारों गलतियां करके आप भी बैठे हो, क्या जाके पीछे एनालाइज किया कि ये हाई एक्सपेक्टेशन क्यों बना, चलो ठीक है मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली रिटेलर वो नहीं करता, आप में से अगर समझ है तो बढ़िया बात है, तो फिर आप वेट करो मैच्योरिटी का, चार्ट स्ट्रक्चर बनेंगे, एंगल बनेगा, हिसाब किताब बनेंगे उसकी, एंगल का मतलब एक रेसिस्टेंस एरिया से पहले थोड़ा सा सरफेस रख के एंगल बना दिया वेज का, वेज का ट्रेप दिया, प्रोटेक्शन आ गया उसका, मार्केट गर्मा गर्म है, तुरंत की ग्रीड है, ग्रीड में पड़ला भारी हो रहा है कॉल की साइड का रिटेलर का, हमें हम स्मार्ट मनी है तो हम क्या लेंगे पुट की डायरेक्शन में, सही एंगल डिस्काउंट में छोटे एसएल पे जाएगा एक रुपया आएगा 50 रुपया, तो फिर आप स्मार्ट हो, ट्रेड की स्टोरी बना के ट्रेड कर रहे हो ना, यहाँ पूछते ही ट्रेड कर दिया, ये ट्रेड इधर से ग्रीड वापिस से ऐसे जीआईए बना के देने लग गया तो फिर ग्रीड अब में ये वो मार्केट ने सब यहाँ बैंड बजाई, उसके बाद में इस लेवल को रिएक्ट कर दिया, हो गया काम खत्म। ऐसे अगर हम इसको मैं थोड़ा सा सही से ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा, ये एंगल ये रेसिस्टेंस है, मार्केट आया, मार्केट ऐसे लेवल बनाने लग गया, इसको बोलेंगे वेज, ठीक है मैं वेज में क्या बना सलेंट लाइन, मार्केट ने इसमें यहाँ से ट्रेप किया, ऊपर से ट्रेप किया और नीचे की साइड चल गया, यहाँ ग्रीड पैदा हुई, सेलर फंसा, यहाँ सरफेस था, ब्रेकआउट था, ग्रीड प्रीवियस की थी, प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन में आप फेल हो चुके हो, इसके बाद में आप दोबारा ग्रीड देखते हो, सरफेस एरिया दिखता है, कवर जोन की दौड़ है, आप फंस जाते हो, जीआईए बोलते हैं और मार्केट इधर से ट्रेप किया, बाद आपका ट्रेप उसी एरिया को सस्टेन करते हुए नीचे की साइड आ गया और आपका काम खत्म, आपने यहाँ खोया, यहाँ खोया, यहाँ खोया, यहाँ भी खोया और यहाँ भी खोया, फिर कहोगे मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे से क्यों कमी, क्योंकि उसको तीसरे ही फेस में ट्रेड करनी है, यहाँ तो उसकी हिम्मत बाय की होती नहीं, यहाँ के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल ले या इसको भी इस बड़ी गिरावट में खो देगा जी आई ए के बाद में, या फिर तीसरे में उसका पूरा जी करता है यहाँ छोटा प्रॉफिट ले लेगा। एक चीज और होती है याद रखना, यहाँ आपने प्रॉफिट ले लिया, मान ले कोई कई लोग हैं जो दूसरे फेस में ट्रेड करके थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेते हैं, तीसरे में एक्सट्रीम ग्रीड आती है जब इसके आसपास जब प्रेशर आता है ना ब्रेकआउट के बाद, अब तो मार्केट ऐसे जाएगा, तो उसके आसपास जब लोग फंसते हैं वो लास्ट ग्रीड होती है, उसमें दूसरे नंबर पे जिन्होंने प्रॉफिट कमाया वो भी फंसते हैं, वो जो फंसे उनका हाल क्या करेगा मार्केट, पता क्या होता है साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हिडन साइकोलॉजी आप समझना, आपने 2,000 रुपये कमा लिए दूसरे फेस में, बातें समझ में ना आए तो बोल सकते हो, 2,000 रुपये आपने कमा लिए, आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो आप कब तक उस ट्रेड को नहीं काटोगे, क्योंकि 2,000 का तो प्रॉफिट दिखता है, पहली बात तो 2,000 से आपको 1,800 रुपये भी स्वीकार नहीं होगा, और जब ये 1,000 होगा तो सोचोगे कि अब वापिस 1,500 आ जाएगा तब काटूंगा, 2 आ जाएगा तब काटूंगा ट्रेड के लिए, नहीं काटोगे, और 2,000 है तो ज्यादा पैनिक भी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट कमाएगा, जब खींचना शुरू करेगा ना तो आपका दिमाग डबल खराब होगा, प्रॉफिट गया, लो स्टार्ट हुआ और अब फाइट स्टार्ट होती है, और मार्केट से फाइट करके जो जीत जाए वो आ जाओ मेरे पास, ये किसी को नहीं जीतने देगा, तो आपने क्या फिर चलो पैसा खोया, आपका अकाउंट वाइप आउट हो गया या 5,000-20,000 का नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है, क्या आपने फिर जाके इस दाव को देखा कि मेरे सामने वाला खिलाड़ी मेरे पे दाव क्या लगा के गया, किसी ने भी समझ पैदा करी, आप कहते हो सर आप कहाँ से सीख के आते, ये चार्ट है मेरे को तो सिखा रहा है, क्या आपको नहीं सिखा रहा, लेकिन आपने यहाँ आके देखा कि यार कबड्डी में ये इसने दाव यहाँ लगाया मैं कहाँ था, मैं तो यहाँ भी था, मैं यहाँ भी था
और मैं तो यहाँ भी था और बीच में तो 10 जगह और था। तो समझोगे जाके अपने ट्रेड को, एनालाइज करोगे, फाइट में नहीं आओगे, इस दिन की फाइट अगले दिन क्या कहोगे, सिर्फ एक ही कंक्लूजन आपके पास होगा नेक्स्ट डे के लिए, अरे यार ओवर ट्रेड हो गई थी, थोड़ी सी ट्रेड कम करूंगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा एसएल लग गए, एसएल का एरिया बढ़ाऊंगा। यही 2-4 सवाल जवाब होंगे अलग अलग लोगों की साइकोलॉजी के साथ। कोई कहेगा यार एसएल मेरे ज्यादा जाते हैं, मेरा एसएल सही था, मेरा डायरेक्शन सही था, मार्केट नीचे गया था, यानी कि आपने पूरा जो काम दाम जाम किया ना उसको सही प्रूव कर दिया, और मार्केट ने आपको गलत साबित नहीं होने दिया। आप कभी भी बैक टेस्टिंग करोगे गलत साबित नहीं होगे, क्योंकि 1 घंटे पे तो आपको एक ही कैंडल दिख रही है ना। और अब यहाँ पे जो आप क्या करोगे, एसएल का एरिया बढ़ाना शुरू कर दोगे। एसएल का एरिया बढ़ाना सिर्फ आपका बोलना है, ट्रेडिंग का एरिया नहीं बढ़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि आपकी आदत 5 रुपया 10 रुपया लेने की आदत पड़ी होगी, तो 50 रुपया आपको हजम नहीं होगा, 50 रुपये का एसएल तो हजम आपको पहले भी हो जाता था। तो ये है माइंडसेट का गेम। काफी बड़ी क्लास हो गई है, किसी का कोई सवाल है तो आप बोल सकते हो, किसी का भी कोई सवाल, नहीं तो ओवर करता हूँ मैं क्लास को। फिर एक दिन का चार्ट है निफ्टी का, एक दिन 1 घंटे का चार्ट कर रखा है, एक दिन का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। ये लेवल अपने एक दिन के थे, अगर हम 15 मिनट के लेवल लेते, 15 मिनट वाला मेरा चार्ट काम नहीं कर रहा, वो शायद मैं उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, बट वो क्या पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है, खुल ही नहीं रहा वो, नहीं तो 15 मिनट के लेवल निकाल के दिखा देता, देखो ऐसे घूम रहा है कैसे, इसलिए मेरे को दूसरे वाले उसके चार्ट निकालने पड़े बाहर, उसमें लेवल मैंने लगा नहीं रखे, नहीं तो लेवल के अकॉर्डिंग मैं समझा देता, और दूसरे वाले चार्ट पे मैंने 15 मिनट में लेवल तैयार नहीं कर रखे, लेवल तैयार नहीं कर रखे, उसकी स्टडियाँ अलग है। अगर लेवल भी देखोगे तो ये लेवल है, थोड़ा उसमें लेवल अलग है, डिफिकल्ट वाले लेवल, वो लेवल होता तो मैं उसके ऊपर और अच्छे से उदाहरण देता, डे वाले लेवल के हिसाब से नहीं। किसी का भी कोई सवाल है तो आप बता सकते हो, तो या फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि क्लास फिर देखो सैटरडे को जाके होगी, अभी आज फुर्सत है मेरे पास, मैं आराम से बैठा हूँ, चाहे आधा घंटा और खा लो, आपका सवाल होना चाहिए किसी भी चार्ट का, किसी भी टाइम का, कहीं का भी, कैसा भी जो आपको सिखाया गया आप सवाल कर सकते हो आज के लिए। 2-3 सर मुझे 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 सिर्फ एक डाउट है सर, वो क्लियर कर दीजिए। वीडियोस में मैं सुनता हूँ सर, TQR और QRT तो सर क्लियर है, TQR के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए अगर। सर TQR पे अभी वीडियो नहीं बनाया है, शॉर्ट में मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट, बहुत सारे प्राइस एक्शन और है सर अभी, वो क्या स्टेप बाय स्टेप भी देना, जैसे अभी पहले दिन मैं ऐसी स्टडी दे देता सब भाग जाते, कहते सर ये क्या खिचड़ी पका रहे हो, आज बहुत समय लगा के मैं ये चीजों तक पहुंचा हूं, तो ठीक नहीं तो वो ठीक नहीं है, समझा देंगे आपको आगे चल के। स्वॉट में तो समझा चुका हूं जी, स्वॉट में सर मैंने जो वीडियोस देखे थे उसमें TQR तो क्लियर हो गया था, सर QRT तो क्लियर हो गया था, TQR में वो सर कोई नहीं। आपने स्वॉट ले रखा है रिकॉर्डेड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका पूरा हो गया स्वॉट रिकॉर्डेड? हाँ सर वो तो हो गया सर, कल बात हुई थी सर इवनिंग में मेरी आपसे, रवि मेहता, रवि मेहता, समझ में आ गया जी। चलो बढ़िया, कोई नहीं, अभी आप जब आओगे ना स्पॉट के अंदर लाइव में, लाइव में नहीं आए, लाइव में आओगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी जी, ओके शुक्रिया सर। और कोई क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन है सर? स्पॉट ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा सर? स्पॉट का देखो सिस्टम मैं बता देता हूँ, स्वॉट में एक ही सिस्टम आप मान के चलो, वैसे तो ज्यादा मेंबर्स नहीं ले सकते स्वॉट के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल 1-to-1 सेशन रहता है, वो सबके सवाल जवाब लेने पड़ते हैं और उसी चार्ट के ऊपर उनकी ट्रेडिंग के रिकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, जो उनसे गलतियां हुई उनको सुधारने के लिए। तो स्वॉट में सबसे पहले थोड़ा सा जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे चैनल पैटर्न पे एक वीडियो बना दिया, ठीक है, एक अभी जैसे ये मान लो चैनल पे वीडियो बना दे, मैं इसको ही कॉपी करके आगे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे अभी आपको दिक्कत क्या आएगी थोड़ा सा, क्या उसको मेरे को सुनाने में दिक्कत है कि चैनल कैसे बनाया है, क्या क्या चीजें ली हैं, चैनल क्या है, ये येलो वाले सरफेसेस क्यों बनाए गए। अब यही चैनल अगर मैं लेके जाऊँ क्या मुझे ये टॉप दे सकता है? बट अब मैं कहूँगा कि इसमें भी आपकी साइकोलॉजी लगानी पड़ी, बताओ कैसे साइकोलॉजी लगा, मैं नीचे से नहीं लगा रहा हूँ चैनल। अब जो ये येलो फेस दे रखे हैं ये एक समझ पैदा करते हैं, उसी फेस के हिसाब से
हम चैनल लगाते हैं और यहाँ के आसपास की कनेक्टिविटी लेते हैं, जो यहाँ एक्सीड किया हुआ एरिया, ये एक्सीड किया हुआ एरिया, और अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब कनेक्टिविटी मैं किससे ले रहा हूँ, देखना ये लेवल से कनेक्टिविटी ली है, मैंने कोई कनेक्टिविटी बदली नहीं है, सिर्फ कॉपी किया है। आपको डिटो ऊपर का टॉप मिल रहा है। तो ये चीजें अभी देखो, इन चीजों में ना थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, मच्योरिटी चाहिए होती है उसके लिए। बेसिक आपके जो चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, फिर ये चीजें समझ में आने के हिसाब से, क्योंकि हार्ड प्राइस एक्शन में तब जाओ जब इजी प्राइस एक्शन समझ में आ जाए, कैलकुलेशन समझ में तब आएंगी जब इजी कैलकुलेशन। तो सबसे पहला स्वॉट में देखो, डायरेक्ट एंट्री तो नहीं है, रिकॉर्डेड है, 40 रिकॉर्डेड वीडियोज पड़े हैं मेरे पास इंपॉर्टेंट। वैसे तो मेरे पास मोर देन 90 प्लस वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हैं, जिसमें से हर महीने में पाँच सात वीडियोज निकालते हैं, जो कि अच्छी 2-2.5 घंटे का कंटेंट कम से कम एक वीडियो में होना चाहिए। फिर दूसरा, उस वीडियो में प्रीवियस वाली चीज़ें बार बार ज़्यादा रिपीट ना हो, नया नॉलेज मिल रहा हो, वो वीडियो को हम बाहर निकालते हैं। ऐसे करके मेरे पास अभी 40 प्लस वीडियो पड़े हैं। तो आप ये अगर कवर कर लेते हो तो आप अभी जो लाइव शॉट चल रहा है ना, उसके अंदर सवाल आपके मैच्योरिटी वाले आएंगे, वापिस से रिपीट वाले सवाल नहीं होंगे, तो हम और आगे बढ़ पाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये करते हो तो उसके बाद हम और आगे बढ़ पाते हैं, और जो वहाँ ऑलरेडी कंटिन्यूएशन में है उनको डिफिकल्टी नहीं होती। सर आप बेसिक चीजें बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा, और मेरा टाइम बचेगा, क्योंकि एक बंदे के ऊपर अगर मैं 10 से 15 मिनट भी टाइम दूं तो मेरे टाइम कैलकुलेशन में मेंबर्स तो कम ही होंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैच्योरिटी ले ली, तो आप तो पहले आपको स्वॉट की रिकॉर्डिंग क्लियर करनी होगी। रिकॉर्डिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिकॉर्डिंग क्लियर करने के बाद में आप जा सकते हो स्वॉट के लाइव में, और स्वॉट के लाइव में आप अपने जो भी सीखना है, सीखने के बाद अपनी काबिलियत दिखाते हो, बढ़िया अगर ट्रेड करते हो, या तो 20,000 से 1,00,000 पे अप्रोच करते हो एक महीने के अंदर, या 2,00,000 पे अप्रोच करते हो चाहे 1-2 महीना लगे, तो इन दोनों कंडीशन पे आप प्रो का कोर्स ले पाओगे। और दूसरी चीज, या फिर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग और समझ और ट्रेड एरिया सब अच्छे आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ट्रेलिंग की, तो आपको डायरेक्टली आप प्रो वाले मेंबर अप्रोच करेंगे, मतलब जितने भी प्रो के मेंबर्स हैं सारे स्वॉट में हैं, वो कहेंगे कि सर इस बंदे को ले। जैसे अभी आकाश है यहाँ पे, अभी उनका ज्वाइन हुआ है आकाश, दो बंदे शायद, एक बंदा हुआ था ना, तो आकाश अभी ज्वाइन हुआ है, 9-8 बंदे हैं, ज्यादा बंदे नहीं है। तो वो ज्वाइन हुआ था तो उनको प्रो वालों ने ही कहा था सर इनको लो, तो उसके बेसिस पे लिया गया। तो वहां पे अगर आपकी मैच्योरिटी दिखती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में चीजों में, तो आपको प्रो में ले लिया जाएगा। प्रो में 6-7 महीने तैयार होने में तो लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाते हो। ये नहीं कि 3 घंटे का डोज लिया, चौथे घंटे में आप करोड़पति, ऐसा तो हो नहीं सकता, और वो भी जरूरी नहीं 6 महीने में भी कोई कामयाब हो जाए, क्योंकि कोशिश ही होती है हर चीज की। ठीक है, कोई सवाल इसको बैंक निफ्टी जो 10 बजे का एक मिनट का टाइम फ्रेम है, वो आगे जब साइकोलॉजी बता दो स्टोरी, मतलब वो पर उठने वाले इतना या फिर 10 बजे एक पहली उठा होती है, या जो अपने येलो जोन बना हुआ सेकंड वाला ये नीचे ये यहाँ पे है उठने का। अभी मेरे को लग रहा आप लेट आए हो। नहीं, मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट तेजी से गया, तेजी से जाने के बाद में रेड स्टेप बनाया, रेड स्टेप बनाने के बाद में ठहराव दिया, ठहराव के बाद में हर रिट्रेसमेंट को अनसक्सेसफुल किया, यहाँ पे एक अच्छा ठहराव मिला। बेस्ट ट्रेड अगर आप ढूंढते हो, अगर नॉर्मल डे होता चेजिंग नहीं होता तो यहाँ से सेलिंग की बेस्ट ट्रेड होती, क्योंकि ये डिवाइडर भी है, पीओसी भी है, डिस्काउंट भी है, सारी तरीके से ट्रेप आफ्टर ट्रेप भी हम देखते हैं, सारी चीज़ें, तो बेस्ट ट्रेड होती। बट मार्केट चेंजिंग का ये ट्रेड हम नहीं ले सकते जब तक मार्केट इसको ठंडा ना हो। तो हम क्या ले सकते हैं? बीओएस चीट पॉइंट। तो ये चीट पॉइंट है, ये लास्ट ट्रेप है जो इस स्ट्रक्चर को या इस जोन को ट्रेप कर रहा है, जो पीओसी बॉक्स बनाया गया यानी प्रीवियस स्विंग को ट्रेप कर रहा है। मार्केट पावर ले रखा, इसका डिस्काउंट है, इसके बेसिस पे मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे आ रही हर ग्रीड एक रिटेलर को सिर्फ और सिर्फ ट्रेप करने के लिए आती है। मार्केट का एंगल बदल चुका है, मार्केट एक बड़ी डेस्टिनी या दूरी तय करना चाहता है, उसके पास एक ही रास्ता दूरी तय करने का, चेजिंग, जिसमें रिटेलर उसको पूरे दिन पावर देता रहेगा। अगर रिट्रेसमेंट लिया तो उसको वो पावर और वो दूरी करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये
रीजन है, ठीक है, और यहाँ साइन भी होते हैं बहुत सारी चीजों के। और यहाँ अगर एंगल आपको स्लेंट मिलता तो एक मौसम आप सोच सकते हो कि मार्केट बदल भी जाए, स्लेंट एंगल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मार्केट एक ही लेवल पे, एक बार दो बार तीन बार ठहरा मार्केट ऊपर और ये होल्डिंग है। अगर नॉर्मली कई यूट्यूबर आपको बताते भी होंगे मार्केट अगर आ रहा है और इस एंगल पे अगर मार्केट ठहरा हो दे तो ऊपर जा सकता है, बट ये चेजिंग वाले में बिल्कुल सही चीज है, ठीक है, चेजिंग वाले मार्केट में हो सकता है। चेजिंग में मैं ये बात कह रहा हूँ, बाकी मैं ये बात नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये सक्सेस ही करेगा। हाँ चलो, इतनी प्रॉब्लम हो चेजिंग, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। चलो कोई सवाल किसी का नहीं सर? जो 15 मिनट का चार्ट आपने शेयर किया था वो कलर्ड वो करके वो टाइम मैजिक, वो सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेस कैसे यूटिलाइजेशन? देखो इसमें एक्सप्लेन करने वाली चीज यही है कि जो चैनल बनाया गया था स्टार्टिंग के वेव से लेके बनाया गया था जहाँ से एक रिदम स्टार्ट होती है, क्लियर है, उसके बाद में मुझे देखना ये होता है कि रिदम के हिसाब से मार्केट रिएक्ट मिडल लाइन करनी चाहिए। मिडल लाइन ने रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, चीज़ें यहाँ से रिदम चेंज हो रही है तो यहाँ से मुझे रिदम का पता भी चल जाएगा और अब नॉर्मल बिहेवियर और चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो कि मुझे इस वाले चैनल को मतलब वो पता चलेगा कि ये मच्योर हो चुका है, अब मार्केट तब्दीलियाँ कर सकता है। तब थोड़ी सी कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशंस और होती हैं जो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि जैसे बॉटम एरिया निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो मेरे लिए ये सरफेस इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि लास्ट का है, और मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होगा इसका ये लास्ट स्विंग जो पहला स्विंग है वो इम्पॉर्टेंट होगा और बॉटम इम्पॉर्टेंट होगा। तो बॉटम से बॉटम निकला, लास्ट स्विंग से इसका ठहराव निकला और ठहराव से इसे ऊपर से कैलकुलेट किया गया है, उसी के साथ में इस टाइम मैजिक को ये बढ़ते हुए स्लेंट में हम क्या करते हैं, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीज देखो एक होता है बराबर, एक होता है प्लस, एक होता है मल्टीपल, ये मल्टीपल वाला है, ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा सर, अभी आप मत समझो डिफिकल्ट है, पूरा चीज़ समझाना तो मुश्किल मेरे लिए भी होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, लाइव में ये चीज़ें अटेंड करना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये कैलकुलेटिव हैं, बहुत अच्छे से चलती हैं, रिदम इनकी सही है, इनके ऊपर ट्रेड कर पाना और ज़्यादा हैवी प्राइस एक्शन सीखना ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए अच्छा है, कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। आज मैं सुबह सुबह काफ़ी फुर्सत में बैठा था, मैंने चार्ट तैयार कर दिया, मैंने आपको भेज दिया था, बाकी इन चीज़ों को तैयार कर करना जो कैलकुलेशन है मल्टीपल वाली कैलकुलेशन है, बराबर वाली चलती है, माइनस वाली भी चलती है और प्लस वाली भी चलती है, ये तीनों पैटर्न्स में पकड़ी जाती है। मल्टीपल वाली जो कैलकुलेशन होती है ना, जैसे ये एंगल मल्टीपल वाली है तो इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसको एक्यूरेट करने के लिए भी ना, और एक चीज़ कभी भी रिएक्ट नहीं करती, उसके साथ इसके साथ अटैचमेंट होते हैं, कम से कम 6 तरह के अटैचमेंट है, मैंने तो 2 ही तरह के अटैचमेंट जोड़े हैं। ये वाला जो एरिया एक्सीड करता ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज़ अटैचमेंट, ये एरिया जो सरफेस देता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा अटैचमेंट, ये जो सरफेस आता है लास्ट से पहले वाला जो हम यहाँ निकाल रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा, ऐसे 5 से 6 अटैचमेंट और होते हैं जिनको लेते हुए इस कैलकुलेशन को तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा फॉर्मेशन को यूज़ नहीं लाना चाहिए, बाकी है बढ़िया। अगर मार्केट ये चेजिंग नहीं होता तो मुझे ये 4 या 5 दिन तक बड़ा पैसा देती, और चेजिंग हुआ तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में बड़ा पैसा दे देती है, एक बार में सर उसने वही रेंज कवर कर ली जो आपने बना रहा। हाँ, तो बढ़िया पैसा एक ही बार में दे देती है। और कैलकुलेशंस देखो मार्केट में कैलकुलेशंस ही हैं, बट कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो नज़र से बची हुई है रिटेलर की, जो चीज़ आम है तो वो तो फिर आम ही है, खास तो है नहीं तो वो चलेगी नहीं। यहाँ आप जिसकी मैंने बात करी मूविंग एवरेज और RSI वाला बंदा जो मेरे को फ़ोन किया था, आप एक चीज़ समझो, ये वाली चीज़ आम है, मुझे ये बता दो 1 महीना भी जिसने बिता लिया वो इसका नाम नहीं जानता तो बता दो, और अगर खास है तो 90% लोग ऐसे हैं इस मार्केट में जिन्होंने इन दोनों को ट्राई कर लिया होगा, तो फिर वो भी खास ही होंगे 90%, ठीक है। खास तरीका अटेंड करने का होता है, मैं ये कहता हूँ मैंने इंडिकेटर की बुराई करता, बस मेरे को लैग करते हैं, इंडिकेटर्स पे पैसा बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता है, बट इंडिकेटर को जैसे सिखाया जाता उस एंगल से नहीं, इसको मिला दो साइकोलॉजी के साथ में, और साइकोलॉजी के साथ में यहाँ पैसा बना रहे हैं, इसको इसके ऊपर भी पैसा बनाया जा सकता है। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, मनी मैनेजमेंट,
अगर आपका मनी मैनेजमेंट में रिस्क छोटा है, ऐसे मार्केट में भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे पूरे दिन पुट लेते रहिए, ठीक है, एक 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 दो 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 रुपए दे के आप ज्यादा से ज्यादा 5-10, और ऐसा नहीं कि 2 रुपए. मैं ये कहता हूँ इस मार्केट में भी मैं गारंटी के साथ में पुट की ट्रेडिंग में पूरे दिन ट्रेड करके कमा के दिखा सकता हूँ. पुट की ट्रेडिंग में बेशक मैं छोटी क्वांटिटियां लेता हूँ, बड़ी क्वांटिटीज पे ट्रेड करने की आदत नहीं है, साइकोलॉजी मेरी भी खराब रहती है बड़ी क्वांटिटी के साथ में, लेकिन ये गारंटी है कि इस मार्केट में मैं पुट में पैसा कमा के दिखा सकता हूँ. लेकिन जरूरी क्यों, अगर पैसा अपने को कॉल ज्यादा दे रहा है और समझ अच्छी है तो स्मार्ट है तो फाइट क्यों करें, स्मार्ट है तो रिदम के साथ कनेक्ट करें, समझ के साथ कनेक्ट करें, तब हम पुट ने लेके कॉल लें. पुट में भी 3-4 एंगल पकड़े जा सकते थे. हाँ पकड़े जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, ये है. चलो ठीक है, मेरे हिसाब से सबका देखो एक चीज होती है, मार्केट ना जब ग्रीड बढ़ाता है फिर ठहराव देता है तो तैयारी कर रहा होता है. ये मैंने फ्राइडे वाले दिन भी आपको बताया था, ये वाली ग्रीड से जब हम कंपेयर कर रहे थे तो ये वाली ग्रीड आई थी तो तैयारी कर रहा होता है कुछ नया. हमेशा 3 दिन तक का एनालाइज सही तरीके से प्रीवियस कर लिया होता है तो मैं नहीं कहता कि अगले दिन को आप प्रिडिक्ट करोगे, बट अगले दिन को चल रहा है रनिंग एक सीटीजी होता है, हम कैसे करते हैं रनिंग सीटीजी में करंट डे का सीटीजी होता है, वो करना सीख जाओ तो 3 डे का एनालाइज दिमाग में रखो, करंट की ट्यूनअप मैच हो जाएगी, फिर ट्रेड करो, बेस्ट ट्रेडिंग होती है, बेस्ट ट्रेडिंग. बट लाइट रहना होगा, नहीं तो ट्रेडिंग इतनी हार्ड चीज है ये, क्योंकि आपकी जो ट्यूनिंग है ना वो मैच होनी चाहिए पहले. अगर मैच आप रेडियो पर जैसे ट्यून सेट करते हो तो गाना तो एक ट्यून पे ही सेट, मतलब एक सही रिदम पे आने पे सेट होगा ना, तो वो जब तक नहीं आएगी ना आपके चार्ट के साथ में आप ट्रेड मत करना, फिर तो वो सॉरी सुनाई देगा सही ट्यून नहीं लगी तो. तो इसलिए 3 दिन तक की स्टडी बेटर होनी चाहिए जिसके अंदर आपको कॉल और पुट में रिटेलर के खेल और ग्रीड को समझ में आ जाए, उसके बाद में रनिंग की साइकोलॉजी का एक लेआउट एक खांचा तैयार कर लो, फिबो के हिसाब से तैयार कर लो कि मार्केट देखो तैयार होते हैं हम भी करते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस रहता है कि मार्केट ऐसे जाएगा, बैरियर्स और सपोर्ट के हिसाब से हम एक मतलब प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट को, मान लो आता ना कि मार्केट अगर आज जैसे मैं कोई उदाहरण दूं तो कैसा दूं, ठीक है मान लो कोई लेवल आ रहा है, 3 लेवल आ रहे हैं और ये मेन लेवल है, प्लेटफॉर्म देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसकी कीमत अलग है इसकी कीमत, वो कीमत के हिसाब से हम उसको अलग करते हैं, फिर उसके बाद में एक खाचा तैयार करते हैं मार्केट में पीछे वाले बेस पे कि हैवी किधर रहा है हल्का किधर रहा है कहाँ पे सरफेस है, सरफेस का मतलब जहाँ तेजी से गया, तो उस हिसाब से हम खाचा तैयार करते हैं, ऐसे 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 मार्केट जा सकता है और ऐसे 1 या 2 खाचे तैयार होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर लेआउट चल रही होती है तो हम क्या करते हैं फिर उसके हिसाब से हमारी ट्यूनअप मैच करती है, तो वैसे सी ग्रीड आ रही है. मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट ये करे, एग्जैक्ट ये करना जरूरी नहीं, मतलब ट्यूनअप मैच हो जाएगी, मैच हो गई तो आप उसके साथ छोटे एसएल के साथ ट्राई करो, बड़े टारगेट लो और एमटीएफ आपके साथ रहेगा ही रहेगा, ठीक है. ये एडवांस की चीजें हैं, आगे हम एडवांस चार्ट तैयार करना सिखाएंगे जिसमें आगे मतलब जिसको बोलते हैं प्रिडिक्शन चार्ट, तो प्रिडिक्शन चार्ट में खाली चार्ट पे हम आगे तैयार करना सिखाएंगे कि जैसे मान ले अभी ये वाला मैं यहाँ बना चुका था ये वाले चार्ट के जो मैंने आपको भेजा था, तो हम प्लानिंग करते हैं इसके हिसाब से, और प्लानिंग में इम्पोर्टेंट होता है ओपनिंग, याद रखना ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ओपनिंग के साथ में स्टार्टिंग का बिहेवियर, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के बिहेवियर पे हम वॉल्यूम देखते नहीं है पता है लेकिन वॉल्यूम आता है, यानी कि स्मार्ट मनी के कदम होते हैं वहाँ पे, इन्वेस्टर्स के कदम होते हैं वहाँ पे, इसलिए मुझे वो जरूरी होता है, तो उसकी समझ आ जाएगी ट्यूनअप मैच हो जाएगी, कौन सी वाली ट्यूनअप से मैच हो रही है उस हिसाब से ट्रेड करो, सिंपल. ठीक है किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं अभी एंड करूं सेशन, अभी मुझे 10 बजे दूसरा भी सेशन लेना है. चलो ठीक है.